क्या क्वेश्चन है? अ ट्रेन ऑफ मास टू इंटू 10^5 kg has a constant speed of 20 m/s up a hill at theta equal to sine inverse of 1/50. When engine is working at 8 × 10^5 W, find the resistance to motion. पहले तो ये बता दो resistance to motion मतलब क्या find out करना है? Not only friction, एयर का भी अपोजिशन होता, तो बेसिकली अपोजिंग फोर्स क्या दिया है? मास ऑफ ट्रेन 2 × 10^5 kg, और क्या पता है? कांस्टेंट स्पीड है, और क्या दिया है? ये एक हील के ऊपर जा रही है, तो इस प्रकार से कोई रास्ता है और यहां पर ये ट्रेन हमारी जा रही है। ठीक है, यहां पर ये ट्रेन अपवर्ड डायरेक्शन में, सामने वाले डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब देखो ये एंगल थीटा आपको दिया है, इट इज साइन इनवर्स 1/50। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन थीटा इक्वल टू 1/50। इसका मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इज 1/50। ठीक है, तो ये अगर ये साइड 1 की रहेगी तो हाइपोटेनियस 50 रहेगी। ठीक है, अब देखो एक चीज हमें पता है, अगर थीटा की वैल्यू छोटी है, ठीक है, थीटा की वैल्यू छोटी है तो साइन थीटा एंड टैन थीटा ये लगभग सेम आते हैं। ठीक है, कैसे? तो शायद से आप यहां पर ये साइड को कैलकुलेट करने की कोशिश भी कर सकते हो, 50² - 1² ठीक है, दैट इज 2500 - 1, दैट इज 2499। इसका अगर रूट लेते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? तो इसका रूट अगर लेते हैं तो 4950 के पास ही कुछ वैल्यू आने वाली है, सही है? ठीक है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 49.99 आती है इसका रूट। ठीक है, अब ये 49.99 और 50 इसमें कितना डिफरेंस है? बहुत कम, इसलिए ऐसे केस में साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा आप लिख सकते हो। ठीक है, सो द पॉइंट इज, अगर ये साइड 50 है, सामने वाली साइड अगर 1 है,
तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 50 जैसी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर लगे तो नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, सॉरी साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टैन थीटा विच इज नियरली इक्वल टू थीटा इन रेडियंस। ठीक है, अभी अपने को उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हम हमारा डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये किस प्रकार से ऊपर जा रही है ये पता है, इसकी वेलोसिटी पता है और मास भी पता है। व्हेन इंजन इज वर्किंग एट 8 × 10⁵ वाट, पावर दी है 8 × 10⁵ वाट। ठीक है, तो आपको अपोजिंग फोर्स रेजिस्ट ये निकालना है। तो देखो क्या मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो निकाल सकता हूं क्या? पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये आपको दे देगा फोर्स इक्वल टू पावर बाय वेलोसिटी, पावर है 8 × 10⁵ वाट डिवाइडेड बाय स्पीड है 20 m/s। ठीक है, सो ये आ जाएगा 4 × 10⁴ न्यूटन। ये वो फोर्स है जिसके कारण मोशन हो रही है। ठीक है, अब मैं आगे कहूं क्या, क्या कह सकता हूं? एट कॉन्स्टेंट फोर्स, सॉरी एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी है, स्पीड कैसी है, कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या? सभी फोर्सेस बैलेंस है, फोर्स नेट फोर्स जीरो रहेगी, फोर्सेस बैलेंस है। सो एज स्पीड इज जीरो, एज स्पीड इज कॉन्स्टेंट, एक्सीलरेशन इज जीरो, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अब सिर्फ यहां पर इस ट्रेन पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में अपने को बात करनी पड़ेगी। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे यहाँ पर? एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा, ओके, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा, एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा जो हमें निकालना है। बिल्कुल सही है। तो देखो इसका वेट डाउनवर्ड, ठीक है, इस mg के कंपोनेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। सही है, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है, ये mg cos थीटा रहेगा, ये mg sin थीटा रहेगा। ठीक है, ये हमारा अप्लाइड फोर्स, और एक फोर्स यहां पर ऐड हो जाएगा, अपोजिंग फोर्स। क्या रेजिस्टेंस टू मोशन? सही है, मैं इसे आर कहता हूं, अपोजिंग की जगह उसी में आर कहूं, रेजिस्टेंस टू मोशन। अब जब हम कह रहे हैं कि भैया ये ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब इस डायरेक्शन वाला फोर्स और ये अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स ये बैलेंस है। ठीक है, दैट इज एफ इक्वल टू mg sin थीटा प्लस r, हमें r की वैल्यू निकालनी है। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? f माइनस mg sin थीटा। f की वैल्यू दी है, कितनी है f की वैल्यू, सॉरी कैलकुलेट की है, 4 × 10⁴। ठीक है, माइनस m, m कितना है, 2 × 10⁵, g की वैल्यू
10 या 9.8, ठीक है, साइन थीटा ये यहां पर आया है 1/50, ठीक है। देखो इसे 20/5 में कह सकता हूं, ठीक है। अब देखो इसे 20/5 लिखा, तो ये 20 × 10⁴ अपॉन 5 इज 4 × 10⁴, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर g को 9.8 कंसिडर करना सही रहेगा, मतलब मेरी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, g को 9.8 लिया तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी और मेरी रेजिस्टिव फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी। अब ये ज्यादा नहीं रहने वाला है, आपको ध्यान में आ रहा है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 × 10⁴, इसे मैंने 200 कर दिया, × 10⁵, sorry, × 10�³, 2 0 इधर ले लिए, 200/50 इज 4, 4 × 10�³ × 9.8 कितना आ जाएगा, 9.8, 4 × 10⁴ − 3.92 × 10⁴, ये आने वाला है 0.08 × 10⁴, दैट इज 800 न्यूटन। सही है क्या? अगर इसकी वैल्यू 10 ली तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कोई आपका रेजिस्टिव फोर्स आएगा ही नहीं। अगर इसकी वैल्यू 9.8 ली तो रेजिस्टिव फोर्स 800 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। क्या दिया था हमें, हमें दिया था ये ट्रेन है, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है और इसके लिए जो पावर लग रही है वो पता है। तो उस पावर के थ्रू हमने लिखा पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाली और फिर कहा इसका मतलब ये फोर्स है जो ट्रेन की मोशन कर रहा है। फिर कहा एज द स्पीड इज कॉन्स्टेंट, एक्सीलरेशन 0 है, मतलब फोर्सेस आर बैलेंस इन द डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज मूविंग। इसका मतलब क्या, ये जो फोर्स है इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स mg sin theta plus r, यहां से r की वैल्यू आ गई, यही तो आपको निकालना था, ठीक है। चल आगे जाते हैं, हमें क्वेश्चन दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 40 kg having velocity 4 meter per second collides with another object of mass 60 kg having velocity 2 meter per second. Calculate the loss in kinetic energy if collision is perfectly elastic. Perfectly inelastic. क्या हमने ऐसा कुछ रिलेशन एक डिराइव किया था? Yes, sir. क्या आता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? हाँ
m1 m2 upon m1 plus m2 into u1 minus u2 का स्क्वायर। एक बड़ा लंबा चौड़ा रिलेशन हमारा आया था, ठीक है। क्या आपको यहां पर वैल्यूज पता है क्या? m1 40 kg का मास है, ये कितनी स्पीड है? 4 मीटर पर सेकंड। किसके साथ कोलाइड हो रहा है? अनदर मास ऑफ 60 kg हैविंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बस दोनों की भी डायरेक्शन सेम पकड़ते हैं अपन, दी नहीं है शायद से डायग्राम दी होगी, ठीक है। U1 की वैल्यू 4, U2 की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा हाफ। M1 कितना है? 40, M2 है 60, 40 प्लस 60 इज 100, U1 माइनस U2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 4s are 24, 24 by 2 12, this is 4 minus 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक, ये आ जाएगा 48 जूल। चलो आगे जाएं, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो इसे जरा समझ कर करो, ब्लॉक ऑफ 5 kg collides with another block of 3 kg moving in same direction, same line in opposite direction. ठीक है, और वेलोसिटी भी दी है 4 मीटर पर सेकंड। फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इफ इफ collision is elastic, B collision is with coefficient of restitution equal to 0.6. ठीक है, देखो हमें क्या दिया है। इस प्रकार के दो ब्लॉक हैं, एक का मास है लेफ्ट टू राइट में जा रहा है, हाँ 5 केजी वाला, दूसरा 3 केजी का है मूविंग अलोंग द सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। 3 केजी वाले की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको वेलोसिटीज निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे?
कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक है। देखो यहां पर हमें दो चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है ये m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1u1 कितनी है वैल्यू, 5u × 2 प्लस दिस इज 3 × −4। सर माइनस क्यों लिया, अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट साइड को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं हम, इक्वल टू फाइव इंटू वी वन 3 × v2। ठीक है, दिस इज 10 − 12 आने वाला है −2। ठीक है, u v1 प्लस 3 v2 इक्वल टू −2। अब देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो या ना हो, ये रिलेशन तो ऐसा ही आने वाला है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सभी प्रकार के कोलिजन में होता है। सो अब देखो पहला, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, v2 − v1 अपॉन u1 − u2। पहले केस में कोलिजन इज इलास्टिक, जब इलास्टिक होता है तब वैल्यू क्या होती है, 1। u1 − u2 की वैल्यू हमने कितनी ली है, 2 माइनस u1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, −4। तो ये आ जाएगा v2 − v1 v2 − v1 इक्वल टू 6। ठीक है, v2 − v1 इक्वल टू 6। क्या इसे अभी सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ v2 की वैल्यू आ जाएगी 6v1, पुट कर दो यहां पर 5 × 6 + v1 की वैल्यू पुट कर दी, 3 × v2 के जगह पुट करता हूं 6 + v इक्वल टू −2। ये उधर चले गए −20, v1 इक्वल टू −20/8, दैट इज −2.5। v1 की वैल्यू ये आ गई तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 3.5। ठीक है, v1 v2 की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, जो आपने v1 कंसीडर की है, सॉरी आपके v1 की डायरेक्शन ये माइनस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव अगर राइट में है तो v1 लेफ्ट में जाने वाला है, और v2 की डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब v2 जो पहले लेफ्ट में जा रहा था निगेटिव साइड में, वह भी राइट साइड में जाएगा। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, दूसरे पार्ट में आप कहोगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.6 इक्वल टू v2 − v1 अपॉन 6। ठीक है, दैट इज v2 − v1 इक्वल टू 3.6। अब ये वैल्यू पुट करते हैं 5v1 प्लस 3 × v2 की वैल्यू
3.6 प्लस V1 ये आ जाएगा हमारा रिलेशन। एट वी वन इक्वल टू माइनस टू माइनस 10.8 देयरफॉर V1 आ जाएगा माइनस 12.8 अपॉन 8 मतलब माइनस 1.6। अगर V1 की वैल्यू माइनस 1.6 है तो V2 की वैल्यू क्या आने वाली है? V2 इक्वल टू 3.6 प्लस V1 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो ये दो केस में आपकी V1 V2 की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, ओके। क्या इसके सिवा दूसरा कोई तरीका है क्या सर इसे सॉल्व करने का? यस सर, तो फॉर्मूला से मेथड नहीं पढ़ी जानते। एग्जैक्टली, क्या रिलेशन है हमारा? V1 इक्वल टू M1 माइनस EM2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस प्लस 1 प्लस E इंटू M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, U1 U2 अगर पता है, E की वैल्यू पहले केस में क्या रहेगी? 1। पुट कर लेते हैं V1 इक्वल टू M1, M1 की वैल्यू कितनी है? 5, 2 मीटर पर सेकंड। M2 3, 4 मीटर पर सेकंड। कितनी है वैल्यू ये? 5। ठीक है, V1 आ जाएगा, M1 की वैल्यू 5 माइनस M2, E की वैल्यू 1 है तो U1 की वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस 1 इज 2, M2 इज 3 अपॉन 8 इंटू U2 की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस 4। तो ये देखो 5 माइनस 3 इज 2, 2 टू जा 4, 4 बाय 8 इज 1/2 प्लस 3 टू जा 6 अपॉन 4 8 जा 2, सिर्फ ये रहेगा माइनस। दिस इज 1/2 इज 0.5 माइनस 3, ये आने वाला है माइनस 2.5। ठीक है, यही आई थी क्या हमारी पहली वैल्यू माइनस 2.5? दूसरे केस में देख लेते हैं, वहां पर भी आई आने वाली है, बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, चलो जाए आगे। तो दोनों प्रकार से बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप कर सकते हो, या इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो जल्दी क्लिक हुआ जिसके बारे में गारंटी है उससे करना। अ स्मूथ स्फीयर ऑफ मास m moving with velocity u, collides directly with another sphere of mass m at rest. Uh,
ऑफ मास, ये छोटा एम है। कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है। After collision, the velocities are v dash and v. Find v. देखो क्या कहा है, ये स्फीयर है ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग विद वेलोसिटी यू मीटर पर सेकंड, कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ मास एम, द कोलिजन इज इलास्टिक। ये रेस पर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटीज आर, इसकी वी डैश है और इसकी वी है, तो आपको वी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। देखो शुरुआत में तो ये ऑब्वियसली राइट साइड में जा रहा होगा, तभी जाकर टकराया। अब वी मतलब क्या निकालना है, वी टू वाला रिलेशन हमारा सही है ना, ये ऑब्जेक्ट टू रहेगा। सेवन कहा, इसे टू कहा, वी मतलब दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज वी टू। क्या रिलेशन है हमारा, m2 minus em1 into u2 upon m1 plus m2 plus 1 plus em1 into u1 upon m1 plus m2, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं v, m2 की वैल्यू कितनी है, छोटा m, माइनस e की वैल्यू कितनी है यहां पर, वन, सही है ना। एज कोलिजन इज इलास्टिक, e इक्वल टू वन, तो ये आ जाएगा हमारा m2 माइनस u2, u2 की वैल्यू क्या है, क्या लिखूं, जीरो, जीरो प्लस वन प्लस वन, m1 क्या है, कैपिटल m, कैपिटल m अपॉन छोटा m प्लस कैपिटल m इनटू u1 कितना है, तो ये आने वाला है 2m upon m plus m into u, ठीक है। इसे ही आप लिख सकते हो 2u upon 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल m, ऊपर नीचे m से डिवाइड किया या इस m को नीचे लेकर आए, 2 इनटू u, m बाय m इज 1 प्लस m अपॉन कैपिटल m, ठीक है। जो कोई भी ऑप्शन में रहेगा वो अपने को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलो Thank you.
देखो क्या कहा है। A body of mass 1 kg is thrown upward with velocity 20 meter per second. इस बॉडी को ऊपर फेंका गया with velocity 20 meter per second. मास दिया है 1 kg. ठीक है। It momentarily comes to rest after attaining height of 18 meter. कौन से height पर ये momentarily rest पर आता है? 18 meter पर। ठीक है। तो आपको कहा है energy loss to friction. कैसे निकाल सकते हो बताइए। ये रेस पर आ गया मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई। किलोमीटर पर सेकंड सही है। सो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली वर्क डन। ठीक है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगी फाइनल तो जीरो है इसलिए आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वेयर इक्वल टू हाफ इंटू वन इंटू ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी दिस इज 200 जूल। ठीक है। अब देखो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता है ये तो निगेटिव आएगी फाइनल माइनस इनिशियल रहेगा नहीं। के फाइनल माइनस के इनिशियल ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क कौन सा हुआ है सो ऊपर जाते वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स ने एक वर्क किया है और दूसरा वर्क किया है रेजिस्टिव फोर्स ने। अब ये दोनों वर्क निगेटिव रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है ऑब्जेक्ट की मोशन ऊपर हो रही है तो रेजिस्टिव फोर्स भी नीचे है तो ये दोनों वर्क निगेटिव रहेगे इसलिए ये हमारी जो एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस आया है वो भी ये यहाँ पर माइनस रहने वाला। ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 200 ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया हुआ वर्क एम जी की वैल्यू 9.8 इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड इसलिए माइनस लिखा इनटू हाइट कितनी है 18 प्लस रेजिस्टिव फोर्स। सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू माइनस 200 प्लस
176.4, सो कितना आ रहा है ये देखो तू, 23.6 माइनस. तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज माइनस 23.6 जूल, मतलब रेजिस्टेंस फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ होगा और ये वर्क के लिए एनर्जी लॉस होगी. सो एनर्जी लॉस विल बी 23.62. ठीक है, कितने एनर्जी का लॉस होगा, 23.62. ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. A block of 100 kg is kept on back of a moving truck with acceleration 2 meter per second square. There is no relative motion. मतलब क्या? What is the work done by frictional force? As frictional force on the block when truck is displaced by two meter with respect to ground. पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा क्या कहा है. हमें दिया है देयर इज अ ट्रक, ठीक है, ये कोई ट्रक है. इस ट्रक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है. क्या इंफॉर्मेशन पता है ब्लॉक के बारे में? इसका मास 100 केजी है, ठीक है. और एक्सीलरेशन कितना है इस ट्रक का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ब्लॉक और ट्रक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है. आपको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जब ट्रक की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2 मीटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है. देखो ट्रक आगे जाएगा तो ये ब्लॉक भी आगे जाएगा, बिकॉज ट्रक के साथ ब्लॉक अटैच है एंड देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ठीक है. तो देखो ये 100 केजी का ब्लॉक है, ये भी आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा, 2 मीटर, ठीक है. अब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ रहेगा और कितना रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड रहेगा. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड रहेगा. मुझे ये बताओ फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है? मोशन को रेजिस्ट करना. Oppose relative motion between surface.
अब देखो ये ट्रक का एक्सीलरेशन कहां पर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये ट्रक के साथ अटैच ये नीचे वाला सरफेस है, ये कहां जाने वाला है, आगे आगे। ब्लॉक की क्या टेंडेंसी रहेगी, शुरुआत की केस पकड़ लो, एकदम शुरुआत की, एकदम शुरुआत के केस में पूरी सिस्टम रेस पर है। अब ट्रक आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब ये नीचे वाला सरफेस भी आगे जाएगा, ये तो ट्रक के साथ अटैच है, तो नीचे वाले सरफेस का एक्सीलरेशन कितना रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ब्लॉक जगह पर ट्रक आगे, ऐसी ही केस होगी, क्योंकि ब्लॉक का इनर्शिया तो रेस में रहने का है, क्योंकि ये रेस पर है। जो चक्को ने फोर्स लगाया है वो ट्रक पर है, ब्लॉक पर नहीं है। सो अभी ब्लॉक पीछे ट्रक आगे ऐसा जाने वाला है, बट आपको कहा है देयर इज नो रिलेटिव मोशन। सो अब ये ट्रक क्या करेगा, सॉरी अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसे पीछे धक्का मारेगा या आगे धक्का मारेगा। देखो ये नीचे से आगे जाने वाला है ऐसे, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, रिलेटिव मोशन कहां हो रही है, ब्लॉक के रिलेटिव सरफेस आगे जा रहा है। फ्रिक्शन चाहेगा इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, ये नीचे वाला सरफेस आगे जा रहा है, ठीक है, नीचे वाला सरफेस आगे जा रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी आगे लगेगी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी आगे लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे कब लगता है, जब आप इस ट्रक को रोकोगे तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये ब्लॉक आगे जाएगा, और उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा। अभी पहले के केस में अगर ये रेस पर है तो ब्लॉक की टेंडेंसी है रेस में रहने की, नीचे वाले सरफेस की टेंडेंसी रहेगी आगे जाने की, ये रिलेटिव मोशन ना हो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स अभी सामने वाले डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो देखो रिपीट कीजिए, कंफ्यूज हो गया। देखो जब ये ब्रेक लगाता है तब क्या होता है, तब ये ब्लॉक आगे जाता है, सही है, ये हमें भी पता है। हाँ सर, ट्रक जब ब्रेक लगाएगा तब ये ब्लॉक आगे जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है आगे जाने की, ऐसे वक्त फ्रिक्शनल फोर्स पीछे एक्ट करेगा और इस ब्लॉक की मोशन रोकेगा। अभी क्या है, अभी अगर हम शुरुआत की केस पकड़ रहे हैं, जब ये रेस पर है, सो ब्लॉक भी रेस, ट्रक भी रेस। अब ट्रक का एक्सीलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब ट्रक आगे जा रहा है, ब्लॉक रेस पर है, ब्लॉक पीछे रहेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स कहेगा मुझे तो ये ब्लॉक और ट्रक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं करनी है, ट्रक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स की जिम्मेदारी होगी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, ब्लॉक को भी आगे लेकर जाओ। ब्लॉक को आगे लेकर जाना मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ होगा, क्योंकि मोशन कौन सी होने वाली है, ब्लॉक जगह पर ट्रक आगे, ठीक है। सो ब्लॉक जगह पर रहेगा, ट्रक आगे निकल जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो। फ्रिक्शन क्या करेगा, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ये दोनों को साथ में रखने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स आगे रहेगा। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ट्रक और ब्लॉक साथ में है, मतलब जो ट्रक का एक्सीलरेशन है वही ब्लॉक का एक्सीलरेशन है। आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ट्रक का एक्सीलरेशन जो है वही ब्लॉक का है, इसलिए आप इसे लिखोगे 100 × 2 दैट इज 200 जूल, ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपको पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ट्रक भी आगे गया है मतलब ब्लॉक भी आगे गया और फ्रिक्शनल फोर्स भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 200 × 2 इक्वल टू 400 जूल।
दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इस सरफेस के ऊपर कुछ वर्क हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं. यहाँ पर जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वहां पर ये ब्लॉक सरफेस के रिलेटिव तो जगह पर ही है, तो सरफेस के रिलेटिव नहीं, ग्राउंड के रिलेटिव अगर ये आगे गया है तो डेफिनेटली वर्क हुआ है. ठीक है सर. सर अगर ब्रेक लगता तो फ्रिक्शनल फोर्स निगेटिव आता क्या? हाँ, निगेटिव कहते फिर फ्रिक्शनल फोर्स को, क्योंकि उस वक्त उसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. देखो ब्रेक लगेंगे मतलब क्या है, रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है. ठीक है, ट्रक रुक जाएगा, ब्लॉक की टेंडेंसी रहेगी आगे जाने की. अब फ्रिक्शन कहेगा इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो इसलिए ये अपोज करेगा. ठीक है, होने वाले मोशन को रोकना ये फ्रिक्शनल फोर्स का काम है. अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो आपने ये एक्सपीरियंस किया है, आप अभी भी कर सकते हो. आपके कॉपी पर एखादा बॉल वगैरह पकड़ो और कॉपी को नीचे से आगे लेकर जाओ, बॉल ये जगह पर रहेगा, कॉपी आगे चली जाएगी, बॉल नीचे गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि इनफ फ्रिक्शन नहीं है. अब उनको जगह पर रहना मतलब क्या करना, उसको पीछे जाने से लिए रोकना, मतलब इस सरफेस के साथ अटैच करके रखना. यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में आएगा, वो इसको सरफेस के ऊपर पक्का रखेगा. ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं और फिर अपन रुकेंगे. क्या क्वेश्चन है? कंसीडर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड लाइट न्यूक्लियर ऑफ बेरिलियम एट रेस्ट. कैलकुलेट एनर्जी ट्रांसफर by neutron to beryllium. A of beryllium पता है क्या? Atomic mass number of beryllium 4. Atomic mass number, atomic number नहीं, 8 है. If I am not wrong, it is 9. क्योंकि यहाँ पर 9 दिया है. एक सेकंड. एटॉमिक मास नंबर बेरिलियम का 9 है. ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको पता है क्या? मास ऑफ बेरिलियम इज 9 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, सो देखो ये कोई बेरिलियम का न्यूक्लियस है जिसका मास है mt, इट वॉज इनिशियली एट रेस्ट. इसे किसने स्ट्राइक किया? न्यूट्रॉन ने. ठीक है, इसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी u. ठीक है,
तो इसने इसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर की आपको निकालना है। कैसे निकाल सकते बताओ? एक पार्ट देखो, कोलिजन कैसा है ये? सर एनर्जी कंजर्व रहेगी दोनों के बीच में। एग्जैक्टली, कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। इलास्टिक, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। मतलब अगर न्यूट्रॉन की एनर्जी कम होती है तो वो एनर्जी डेफिनेटली किसको गई? बेरिलियम को। ठीक है, सो एनर्जी लॉस बाय न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय बेरिलियम। ठीक है, अब देखो एनर्जी लॉस बाय न्यूट्रॉन के लिए शुरुआत की वेलोसिटी पता है, क्या न्यूट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी क्या? हाँ सर, ये तो हमारे V1 के रिलेशन से आ जाएगा। क्या होता है V1? M1 माइनस EM2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, ये प्लस वाला पार्ट मैं नहीं लिखता हूँ। क्यों नहीं लिखूंगा मैं? क्योंकि U2 जीरो है। As U2 इक्वल टू जीरो, U2 जीरो है ना हमारा। सो इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, लिख लेते हैं। देयरफोर फाइनल वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन M1, किसका मास है ये? M1 मतलब कौन है? न्यूट्रॉन इज M माइनस E की वैल्यू 1 क्योंकि इलास्टिक है। M2 कितना है? 9 टाइम्स ऑफ M, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 M इंटू U। ठीक है, सो ये बन गया माइनस 8/10, दैट इज 4/5 टाइम्स ऑफ U। ठीक है, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? हाफ एम यू स्क्वेयर। के फाइनल कितनी रहेगी? हाफ एम माइनस 4/5 यू का स्क्वेयर, ये आ जाएगी हाफ एम, 4 का स्क्वायर 16/25 यू स्क्वायर। देखो ये बची हुई एनर्जी है, मतलब लॉस कितना है? एनर्जी लॉस बाय न्यूट्रॉन इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल हाफ एम यू स्क्वेयर माइनस कितना? 16/25 हाफ एम यू स्क्वेयर।
ठीक है, दिस इज 9/25 इनटू हाफ एम यू स्क्वायर, देयरफॉर परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफर टू बेरिलियम इक्वल टू 9/25 इंटू हाफ एम यू स्क्वेयर अपॉन हाफ एम यू स्क्वेयर इंटू 100. हाफ एम यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 9/25 इंटू 100, 25 4 4 9 36. बिकॉज दिस इज एनर्जी गेन बाय बेरिलियम, तो आपका आंसर रहेगा 36%. सही है सर? लास्ट लाइन. तो इस प्रकार से हमने सब वेरिएशन कवर किया है इस चैप्टर के.